जहां पर दोस्तों एक तरफ अभी आईपीएल 2022 का आगमन भी नहीं हुआ तो वहीं पर खिलाड़ियों के बाहर जाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और ऐसे में भैया ये खबरें अच्छी नहीं है। पहले गुजरात टाइटंस के जेसन रॉय ने अपने आप को ऑप्ट आउट किया और अब बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कैंप से। और भैया ये खबर सीएसके के सभी फैंस के लिए, सीएसके कैंप के लिए, सीएसके टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट्स ने यह क्लेम किया है कि सीएसके के सुपरस्टार दीपक चहर, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे साल 2022 में कि भैया चहर मचाएंगे कहर, और अगर दीपक चमकेगा तो भैया चेन्नई चमकेगा, अब ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं दोस्तों कि दीपक चहर आईपीएल 2022 के मेजर पार्ट्स मिस करते हुए नजर आएंगे। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है और डेफिनेटली सीएसके टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। और सिर्फ इतनी ही रिपोर्ट नहीं है, पहली बात तो यहां पर पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है, दीपक चहर कितना मिस करेंगे आईपीएल, और साथ ही साथ यहां पर BCCI की आज मीटिंग भी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग। तो उस मीटिंग में यहां पर कौन कौन से बड़े और अहम निर्णय लिए गए हैं वो भी एक एक करके बताऊंगा। कुल मिलाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट वाली ये वीडियो है, तो भैया आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है जब भी कोई महत्वपूर्ण और रियलिस्टिक जानकारियां आती हैं तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट्स मिल जाती है। और वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हम दीपक चहर से ही। अब देखिए भैया, डिस्कस तो हम कर रहे थे कि चहर का कहर यहां पर सामने वाली टीम पर बरसना चाहिए, पर भैया इस वक्त जो कहर बरप रहा है ना वो सीएसके के ही कैंप पर बरप रहा है और ये कहर बहुत कुछ ढह जाएगा भैया, इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है। जी हां दोस्तों, ESPN क्रिक इन्फो ने ये दावा किया है कि दीपक चहर की इंजरी, जहां पर अब तक हम ये सोच रहे थे कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है कि भैया वो आईपीएल को मिस करेंगे, वो रिकवर हो जाएंगे, अब ऐसी रिपोर्ट्स है दोस्तों कि हाल फिलहाल में ये पता लगा है कि उनकी इंजरी काफी सीरियस है और उनको रिकवर होने में काफी सप्ताह लगने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, ESPN क्रिक इन्फो ने ये दावा किया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो क्वाड्रिसेप टियर इंजरी हुई थी दीपक चहर को, उसके बाद उन्हें NCA में यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बेंगलुरु में रिहैबिलिटेशन के लिए भेज दिया गया था। अब ऐसी खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं NCA से कि भैया रिकवरी में टाइम लगेगा, दीपक चहर को काफी ज्यादा समय लगने वाला है, काफी सप्ताह लग सकते हैं, और जिसके चलते आईपीएल 2022 जो कि 26 मार्च को स्टार्ट होगा उसके लिए शायद वो अवेलेबल ना रहे। और ऐसे में बताया तो यह गया है कि हो सकता है कि वो पूरा टूर्नामेंट ही मिस करें, और अगर पूरा टूर्नामेंट नहीं मिस करते हैं तो मेजर पार्ट ऑफ आईपीएल 2022 तो मिस ही करने वाले हैं। और डेफिनेटली मैं फिर कहूंगा, बारंबार कहूंगा, ये सीएसके के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत पैसे आपने उन पर लगाए, दिक्कत का विषय है भैया, ये बड़ी दिक्कत का विषय है इस वक्त सीएसके कैंप के लिए। आपको मैं हालांकि लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं। देखिए अपडेट यह है कि इस वक्त दीपक चहर NCA में है यानी कि कैंप में है, और वहां पर जो है उनका रिहैबिलिटेशन चल रहा है, और बहुत जल्द NCA फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी सीएसके कैंप को यानी कि सीएसके के ऑफिशियल्स को कि आखिर दीपक चहर कब तक रिकवर हो पाएंगे, कितने सप्ताह लगने वाले हैं एग्जैक्टली, और वो आईपीएल का जो टूर्नामेंट है वो कितना मिस करेंगे, क्या पूरे टूर्नामेंट को मिस कर जाएंगे जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, या फिर वो मतलब अवेलेबल हो जाएंगे लेटर स्टेजेस के लिए। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि भैया शुरुआत का आईपीएल तो वो मिस करने वाले हैं, क्योंकि काफी सप्ताह तो उन्हें लगेगा ही, ऐसी हमारे पास लेटेस्ट जानकारियां हैं। और इस वक्त के लिए आप यही कह सकते हो कि सीएसके के ऑफिशियल्स NCA के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि भैया NCA अपनी रिपोर्ट हमें सौंप दे तो उस हिसाब से वो एक्शन ले। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर दीपक चहर लार्ज पार्ट ऑफ आईपीएल मतलब मेजर पार्ट ऑफ आईपीएल को मिस ही कर रहे हैं तो फिर तो भैया रूल्ड आउट ही करो और आप खिलाड़ी को एज अ सब्स्टिट्यूट ले आओ या रिप्लेसमेंट ले आओ, नहीं तो फिर आप मझधार में फंस जाओगे भैया, दिक्कत पड़ जाएगी। मतलब दिक्कत तो वैसे भी है, दीपक चहर जैसे खिलाड़ी को रिप्लेस करना इज नॉट एन ईजी जॉब टू डू, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा पार्ट्स मिस ही कर रहा है और आपको जो है स्क्वाड को बैलेंस करना है ना तो शायद आप रिप्लेसमेंट ऑप्ट कर सकते हो यार, मतलब फिर पूरे टूर्नामेंट से हटाओ रिप्लेसमेंट लाओ, शायद वो ज्यादा बेहतर पॉलिसी होती है। हालांकि अभी हम किसी सॉल्यूशन पर नहीं आ रहे हैं, अभी रिपोर्ट्स का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे। हालांकि दोस्तों आगे चलकर और भी प्रमुख अपडेट्स है जिसको मैं दे देता हूं। सबसे पहली अपडेट सीएसके कैंप से एक और जानकारी है कि जहां पर एक तरफ दीपक चहर का तो एक बड़ा झटका सीएसके को लगा है, लेकिन फिर भी सीएसके के जो अन्य खिलाड़ी हैं इंक्लूडिंग कैप्टन MS धोनी वो सूरत पहुंच चुके हैं। जी हां दोस्तों, ये सभी खिलाड़ी सूरत पहुंच गए हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सीएसके अपना स्टार्टिंग ट्रेनिंग कैंप सूरत में कर रहे हैं और वहां पर 8 मार्च से कैंप स्टार्ट होगा, उसके लिए सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, उनका क्वारंटाइन स्टार्ट हो रहा है। एंड दोस्तों इनफैक्ट मैं आपको यह भी बताऊं कि सीएसके के CEO ने ESPN से ही बातचीत करते हुए इस बात को भी कंफर्म किया है कि हम यहां पर ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर रहे हैं 8 मार्च से और उसके बाद हम मुंबई के लिए रवाना होंगे बाई रोड लगभग 20 मार्च के आसपास। भैया चलिए, जब मुंबई शिफ्ट होने की बातचीत हो चुकी
चुकी है ना, तो आज मीटिंग देखिए, आज बीसीसीआई ऑफिशियल्स की मीटिंग थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ, जो सारी मतलब व्यवस्था को यहाँ पर देखने के लिए कि व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, और यहाँ पर कॉल लेना था क्राउड कैपेसिटी को लेकर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे ना कि 25% 50% कितने क्राउड होंगे, अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। तो अब मैं आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि आज की मीटिंग में ये बात कंफर्म हुई कि बीसीसीआई ने 25% क्राउड को अलाउ कर दिया है आईपीएल 2022 के 26 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के गेम्स में। जी हां दोस्तों, 15 अप्रैल तक 25% क्राउड को अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फेज का डिसीजन यहां पर आगे आने वाले समय में बीसीसीआई लेगी कि भैया कितने प्रतिशत क्राउड को अलाउ किया जाएगा, कितने दर्शक मैदान में मौजूद हो सकते हैं, इसको लेकर फैसला आगे चलकर लिया जाएगा। और उसके बाद भैया एक और जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया वो मैं आपको बता देता हूं। जी हां दोस्तों, आज की मीटिंग में ये बात निकलकर सामने आई कि जो भी प्लेयर्स एंड सपोर्ट स्टाफ हैं सभी आईपीएल फ्रेंचाइजेस के, जहां पर सीएसके का मैंने बताया कि भैया पहले तो ये सूरत में अपना कैंप करेंगे और उसके बाद 20 मार्च के आसपास आएंगे और सारी टीमों के प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ मुंबई पहुंचना शुरू हो जाएंगे लगभग 8 मार्च के आसपास, और उसके बाद जो है आपको 3 से लेकर 5 दिन के स्ट्रिक्ट बायो बबल में यानी कि क्वारंटाइन में आपको जाना पड़ेगा। क्वारंटाइन बेसिकली आप पहले करेंगे एंड उसके बाद आप जाकर बायो बबल में अपने एंटर कर जाएंगे, जहां पर आप अपना ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। आईपीएल 2022 के लिए अलग से ट्रेनिंग ग्राउंड्स जो है बनाए गए हैं, वहां पर जाके आप ट्रेनिंग करोगे। लगभग 14-15 मार्च से सभी टीमें अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे जो मुंबई पहुंच जाएंगे 8 मार्च के आसपास। तो कहीं ना कहीं 8 मार्च से शुरुआत होगी टीमों की और उसके बाद एक एक करके टीमें आएंगी, जहां पर मैंने सीएसके का जैसा मैंने बताया वो लगभग 20 मार्च के आसपास आएंगे, तो वो काफी डिले में है क्योंकि वो सूरत में अपनी ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर देंगे, उस तरीके की उन्होंने पिचेस भी वहां पर बना रखी है। अभी के लिए दोस्तों ये जो बड़ी खबर थी मैंने आप लोगों से शेयर की, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जैसा मैंने बताया कि आगे आने वाली अब जो भी अपडेट्स आएंगी ना, रिपोर्ट्स आएंगी, वो मैं आपको हमारे सोशल मीडिया पर शेयर करता रहूंगा, और सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप फटाफट से हमें हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो करो। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।